नव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल इक्वेशंस। ये क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे। केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द स्मॉलेस्ट लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इनिशियली द एलिमेंट्स वर नेम्ड फ्रॉम द प्लेसेस फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड। यानी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, टोटली हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, जो उसमें एलिमेंट्स है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल इक्वेशन, तो इस चैप्टर में हम केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगी इसमें केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है और केमिकल इक्वेशंस कैसे बनती हैं, कैसे उनको हम फॉर्म करते हैं और क्या क्या एलिमेंट्स उनमें कैसे कैसे कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ही हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा केमिकल नेम के बारे में, एलिमेंट के केमिकल नेम के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन द स्मॉलेस्ट लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि जितना छोटा हो सके उतना हमें छोटा इस जो एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, केमिकल नेम होते हैं, उनको हमें बनाना चाहिए, हम बनाते हैं उनको, ठीक है। इनिशियली द एलिमेंट्स वर नेम्ड फ्रॉम द प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे वर ऑब्टेन। और धीरे धीरे क्या हुआ, जहाँ से भी कोई भी एलिमेंट मिलता था तो उसका उसी चीज उसी प्लेस के ऊपर नाम रख दिया गया। जैसे कि एक फ्रांस में मिला था तो उसको फ्रेंशियम रख दिया, ठीक है। इसी तरह से फ्रांस में मिला था फ्रेंशियम रख दिया। यानी कि जो एलिमेंट जिस जगह से मिल रहा है उस एलिमेंट का नाम उसी प्लेस के अकॉर्डिंग रख दिया गया है। फ्रांस के आगे ईएन लगा के फ्रेंशियम रख दिया उसका नाम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका कलर के अकॉर्डिंग का नाम रखा, या फिर जहाँ पे वो फाइंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका नाम रखा। तो सबसे पहला है गोल्ड, गोल्ड उसके कलर के अकॉर्डिंग नाम रखा गया। गोल्ड कैसा कलर का है, गोल्डन कलर का होता है, तो गोल्ड का नाम उसके नेम के ऊपर रखा गया, उस एलिमेंट का नाम उसके कलर के ऊपर रखा गया। लाइक गोल्ड वॉज नेम आफ्टर इट्स कलर, तो कलर के ऊपर वो उसका नाम रखा गया है। ऐसे ही कॉपर वॉज नेम्ड आफ्टर द प्लेस वेयर इट वॉज फाउंड, दैट इज साइप्रस। अब जैसे कि कॉपर है, कॉपर कहाँ मिलता था, साइप्रस में, तो कॉपर का नाम साइप्रस और कॉपर में थोड़ा मिलता जुलता है, तो उसका नाम साइप्रस रख साइप्रस में मिलता है, इसलिए उसका नाम कॉपर रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सो डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो डाल्टन पहला साइंटिस्ट था जिसने सिंबल्स का यूज किया किस चीज के लिए, टू रिप्रेजेंट द एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स पहली बार सिर्फ डाल्टन ने यूज किए थे। इस टेबल में आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए इसने सिंबल यूज किया, एक सर्कल के अंदर एक डॉट, फॉस्फोरस के अंदर इस तरह से एक साइन बनाया है, कॉपर के लिए सर्कल में सी लिखा हुआ है, गोल्ड के लिए कुछ इस तरह से। तो यानी कि ये सारे क्या है, सिंबल्स हैं अलग अलग एटम के, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग जो भी सिंबल्स हैं वो बनाए हुए हैं इसमें। तो ये जितने भी सिंबल्स थे ये डाल्टन ने ही बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्जीलियस डेवलप्ड अ न्यू सिस्टम फॉर सिंबल्स ऑफ एलिमेंट इन विच सिंबल्स वर गिवन बाय वन और टू लेटर्स ऑफ देयर नेम्स। अब बर्जीलियस ने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया। पहले डाल्टन ने क्या किया था, सिंबल वाला सिस्टम बना दिया था, पर सिंबल्स बनाना और याद करना एकदम से आसान नहीं होता, सिंबल्स बनाने में टाइम लग जाता है ना, और अचानक से फ्लक्चुएट भी नहीं होता, थोड़ा सिमिलर हो रहे थे सारे के सारे, बहुत कन्फ्यूजिंग हो रहा था देखो, ठीक है। तो क्या हुआ, बर्जीलियस ने एक नया सिस्टम डेवलप किया सिंबल बनाने के लिए, एलिमेंट के सिंबल बनाने के लिए। तो उसने क्या कहा बर्जीलियस ने, कि जो एलिमेंट का नाम है उसके स्टार्टिंग के दो लेटर यूज़ करे जाए, एक या दो लेटर यूज़ किए जाए स्टार्टिंग का, ठीक है। अब उसने ये चीज़ बोली तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC बहुत ही बड़ी ब्रांच है एक तरह से केमिस्ट्री की, आप इसे बोल सकते हो, जहाँ पे सारे केमिकल्स के सारे नाम रखे जाते हैं, जो भी केमिकल्स मतलब एलिमेंट्स जितने भी होते हैं हमारे, एलिमेंट जो भी फाइंड किया जाता है उसके नाम रखते हैं। तो यहाँ तक कि बर्जीलियस को IUPAC ने भी अलाउ कर दिया था इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए। अब आज हम देखें तो सारे बर्जीलियस के सिस्टम पे ही बनते हैं, जैसे कि क्रोमियम है, जैसे कार्बन है, तो कार्बन का क्या है C पहला लेटर, ऑक्सीजन का क्या है O है, बेरिलियम का क्या है BE, बेरिलियम का BE है, ठीक है, स्टार्टिंग के दो लेटर यूज़ किए हैं। तो इसी तरह से एलिमेंट के कई सारे ऐसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम। अब हम पढ़ेंगे वो एलिमेंट्स जो अपने फर्स्ट लेटर से उनका सिंबल बना है, जैसे कि हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था
ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन, तो इनका क्या है फर्स्ट जो है इनका लेटर, वो इनका क्या है सिंबल है जिससे ये रिप्रेजेंट होते हैं, है ना। हाइड्रोजन एच से, ऑक्सीजन ओ, नाइट्रोजन एन, कार्बन सी से होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सम एलिमेंट्स आर नेम्ड विद टू लेटर्स, कुछ होते हैं जो दो लेटर्स से नेम किए गए हैं, वो क्या क्या है। एक तो बोरोन है, बेरिलियम है, बेरियम है। बोरोन तो देखो बी है, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है ताकि हम कन्फ्यूजन क्रिएट जो होती है उसको हम क्लियर कर सकें। देखो बोरोन को तो बी से करा है बस, फिर बेरिलियम को बी ई से करा है, फिर बेरियम को बी ए से करा है, बी बिस्मत को बी आई से करा है। ऐसा क्यों करा देखो, क्योंकि सारे ही बी से शुरू हो रहे हैं, अगर सबका ही बी से रख देंगे तो फिर तो सिमिलैरिटी हो जाएगी सब में, इसलिए इसमें फर्स्ट का रखा, सिर्फ फर्स्ट लेटर का, फिर बाकी सब में दो दो लेटर्स का, बी ई बी ए बी आई करके सारे लेटर्स को जो एलिमेंट के लेटर्स हैं उनको हमने डिफ्रेंशिएट करके जैसे भी था तो एलिमेंट का नाम रखा गया इस तरह से आईयूपीएसी के थ्रू, ठीक है। सिंबल, सम सिंबल्स वर टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम, कुछ कुछ जो सिंबल्स थे, कुछ कुछ जो एलिमेंट के सिंबल थे उनका जो नाम, जो सिंबल था वो कहाँ से लिया गया था, लैटिन नेम से लिया गया था, ठीक है, उनके लैटिन नेम लिए गए थे। जैसे कि सोडियम का देखो, सोडियम का सिंबल होता है Na, तो Na कहाँ से लिया गया है, इसके लैटिन नेम से लिया गया है। लैटिन नेम क्या है इसका, नेट्रियम। तो नेट्रियम में से देखो फर्स्ट में क्या आता है Na, तो इसका Na ही इसका क्या है सिंबल है। इसी तरह से सिल्वर में आर्जेंटम होता है लैटिन नेम इसका सिल्वर का, तो इसका Ag ले लिया, Ar नहीं लिया, Ar आर्गन का होता है, Ag लिया हुआ है इसका, है ना। गोल्ड का ऑरम होता है लैटिन नेम, तो इसका Au ले लिया है ना। इसी तरह से कॉपर का क्यूप्रम होता है तो इसका Cu ले लिया है। इस तरह से जो लैटिन नेम्स है उनको उनका सिंबल बनाया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100, यानी कि अब हम उन एलिमेंट के सिंबल की बात करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर वन है, अगर 101 है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 101 है, तो वन पे आएगा अन, टू पे बाई, थ्री पे ट्राई, फोर पे क्वाड, थ्री पे पेंट, सॉरी फाइव पे पेंट, सिक्स पे हेक्स, सेवन पे सेप्ट, इसी तरह से 10 तक होगा। तो अगर एटॉमिक नंबर 101 है तो वन पे देखो क्या होगा, वन पे होगा अन, वन पे है अन, तो अन लिख देंगे, अन के बाद डैश लगाएंगे, डैश के बाद क्या लिखा है जीरो, जीरो पे क्या आएगा निल, ठीक है, जीरो पे निल आएगा, या मैंने 10 लिख दिया है यहाँ पे, ये जीरो पे आएगा, ठीक है, ये वन नहीं है यहाँ पे, तो जीरो पे निल आएगा। और वन पे क्या होगा, UNIUM, ठीक है, कि वन वन है लास्ट में, तो वन का क्या होगा अन, और लास्ट में क्या लग जाएगा ईएम, हर एक के आगे ईएम लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो भी 100 से बड़ा एटमिक नंबर है उसके नाम के एंड में ईएम लगेगा, जैसे इसमें भी ईएम लगा हुआ है, इसमें भी ईएम लगा हुआ है, ठीक है। अब 102 का नेमिंग करेंगे तो देखो वन में क्या आता है, वन पे क्या आता है अन, अन है वन पे, जीरो पे क्या है निल, जीरो पे निल है, निल लिख दिया। फिर टू, टू पे क्या है बाई, तो अन निल बायम, तो BIUM, तो इसमें डबल आई नहीं लगाएंगे हम, BIIUM नहीं लिखेंगे, इसे सिर्फ लिखेंगे BIUM। इस तरह से 103 का भी अन निल और क्वाड्रियम, ये 104 का होगा, सॉरी 104 का है ये, क्वाड्रियम तो 104 का है देखो, क्योंकि देखो क्वाड क्या होता है फोर, इसमें कई सारी मिस्टेक हो गई स्लाइड में, फोर किसका होता है क्वाड का, तो अन निल क्वाड्रियम इस तरह से होगा ये। और इनके सिंबल क्या होंगे, इनके पहले वर्ड UNU इसका सिंबल है, किसका सिंबल है 101 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का, ठीक है। 102 वाले का क्या है, UNB इसका सिंबल होगा, समझ में आया, इस तरह से होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आयन, तो आयन हमने कई बार सुना भी होगा आयन होता क्या है ना। तो अब पढ़ते हैं आयन होता क्या है। ड्यू टू सम सेम नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स द आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर न्यूट्रल, यानी कि कई जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, उनके नंबर सेम होते हैं, ठीक है, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं। तो कुछ एटम जिनमें एन एटम गेट ईदर बाय लूजिंग, यानी कि एन एटम गेट चार्ज ईदर बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी
कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो एटम होते हैं उनमें क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है या कोई एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उससे क्या फॉर्म होते हैं, आयंस। ठीक है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना, कोई एक एटम है उसमें किसी और एटम का या फिर किसी और एलिमेंट का कुछ या फिर उसी का कुछ पार्ट या तो उसमें गया है या फिर उससे बाहर निकला है। ठीक है, तो ये उससे क्या फॉर्म होते हैं, आयन। आयन क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। जो हम जैसे स्टैटिक चार्ज पढ़ते हैं ना, स्टैटिक चार्ज पढ़ते हैं, स्टैटिक चार्ज क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं स्केल को, हम जब अपने हेयर से रब करके जब पेपर की बिट्स पे हम अट्रैक्ट करते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, तो क्या होता है, ये क्या स्टैटिक चार्ज, यानी कि चार्ज फॉर्म हुआ है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुए हैं। तो इसी तरह से आयन फॉर्म हो जाता है, उस उन चार्ज पार्टिकल्स को हम आयन कहते हैं। तो अब आयन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव आयन क्या होता है, एन आयन। अब मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगी। पॉजिटिव आयन, देखो पॉजिटिव आयन क्या है, प्लस का होता है, नेगेटिव आयन होता है माइनस का। तो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे की कैटायन और एन आयन में। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लो कैटायन और एन आयन में कि प्लस वाला कौन सा होगा, माइनस वाला कौन सा होगा। जो कटे वो कैटायन, देखो कट रहा है ना, ये एक तरह से इसको याद करने का तरीका है, ये मैंने अपने इस तरीके से थोड़ा सा इस तरह से याद करा है कि जो कटे वो कैटायन, तो ये कैटायन है। ठीक है, ये कट रहा है ना इस तरह से, एक तरह से आप उसको कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अब हम कैटायन। ठीक है, कैटायन के बारे में पढ़ेंगे। तो कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव आयन होता है ये। ठीक है, पॉजिटिव वाला आयन होता है, इसको क्या कहते हैं हम कैटायन। तो कैटायन कैसे फॉर्म होता है, जब किसी एक ए या क्या है, एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट में से जब किसी भी एलिमेंट में से जब कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसके पास कैसा फॉर्म होता है, कैसा चार्ज फॉर्म होता है, प्लस का। यानी कि उसने डोनेट किया है तो उसका कैसा चार्ज फॉर्म होगा, प्लस का। उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से हटाया है, ठीक है, ई माइनस, यानी कि माइनस का साइन नहीं आ पाए, यानी कि एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन हटा, क्या फॉर्म हुआ, एलिमेंट क्या, प्लस, यानी कि एलिमेंट के ऊपर प्लस लगा हुआ, यानी कि एनायन, कैटायन फॉर्म हुआ है। ठीक है, प्लस का चार्ज फॉर्म हुआ है, प्लस का आयन फॉर्म हुआ है, पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैशियस न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस इलेक्ट्रॉन को इस एलिमेंट में से निकालने में जो एनर्जी लगी है उसे एनर्जी को क्या कहते हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट में से मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मेरी एनर्जी, यानी कि जो इस एटम की एनर्जी लगी है उसको क्या कहते हैं हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे एनायन। एनायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है किसी एलिमेंट में तो वो क्या फॉर्म कर देता है, एनायन। एनायन क्या होता है, माइनस चार्ज का एलिमेंट। ठीक है, माइनस चार्ज का एटम। ए क्या है, यहाँ पे ए क्या शो कर रहा है, कोई कोई किसी भी एलिमेंट का एटम शो कर रहा है। तो जैसे किसी एटम में, किसी एटम में, किसी एलिमेंट के एटम में प्लस हुआ, प्लस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, किसी और इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, माइनस चार्ज। यानी कि ऐसे बोलते हैं लेना, कोई ले रहा है किसी चीज़ को तो वो क्या है, नेगेटिव, कोई दे रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, कोई डोनेट कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, कोई गेन कर रहा है या ले रहा है तो वो क्या है, नेगेटिव। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन का इस एटम में, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी निकलती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, जिसमें रिमूव करने में एनर्जी लगती है, इसको जो ऐड करने में एनर्जी लगती है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन हुआ है ना, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, ये वो आयन होते हैं जो कि आयनिक कंपाउंड, एसिड, बेस, ऐसे सब्सटेंसेस के डिकम्पोजिशन से फॉर्म होते हैं। ये वो आयन्स हैं जो आयनिक कंपाउंड्स, एसिड या बेसिस के डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के बाद में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम रेडिकल्स। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल रेडिकल होते हैं जो कि सिर्फ एक टाइप के फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट या फिर एटम। ठीक है, फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यहाँ पे एटम लिख दीजिए, फॉर्म बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जो सिर्फ एक तरह के एटम से फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल रेडिकल्स। और जो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम से फॉर्म होते हैं और एक डेफिनेट चार्ज होता है उनके, उन्हें कहते हैं हम कंबाइंड रेडिकल्स। ठीक है,
तो सिंपल रेडिकल, तो उनके एग्जाम्पल क्या है सिंपल रेडिकल के, Ag प्लस Al प्लस 3 Bs प्लस 2 Ca प्लस 2, 2 प्लस या प्लस 2 बात एक ही होता है, जिसमें प्लस लगा हुआ है सिर्फ उसमें प्लस 1 का चार्ज है, जिसमें प्लस प्लस 2 लगा हुआ है उसमें प्लस, मतलब एक ही बात है। अब जिसमें अब प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 है क्या, जिसमें प्लस 1 लगा है यानी कि उसने एक एटम डोनेट किया है, एक एटम डोनेट किया है, जिसमें प्लस 2 लगा हुआ है उसने टू एटम्स डोनेट किए यानी किसी और को दिए हैं किसी और के एलिमेंट एटम के लिए, जिसमें प्लस 3 लगा हुआ है उसने 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से होगा। अब कंबाइंड रेडिकल्स का एग्जांपल क्या है, H3O प्लस O पॉजिटिव प्लस और क्या है NH4 प्लस। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज रेडिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि चार्ज के बेसिस पे रेडिकल्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं, एक तो एसिडिक रेडिकल और एक होता है बेसिक रेडिकल। ठीक है, एसिडिक और बेसिक। तो एसिडिक रेडिकल क्या है, आयन जो कि एसिड से बना है, और बेसिक रेडिकल क्या है, वो आयन जो कि बेस से बना है। एसिडिक एसिड से बना है और बेसिक रेडिकल कैसे बना है, बेस से। तो ऐसे मोनोवेलेंट के टाइम क्या होते हैं, मोनोवेलेंट जिनमें सिर्फ प्लस 1 का चार्ज हो, यानी कि 1 का चार्ज हो, है ना, प्लस 1 का। मोनोवेलेंट एनायन जिनमें माइनस 1 का चार्ज हो, डाइवेलेंट के टाइम जिनमें प्लस 2 का चार्ज हो, डाइवेलेंट एनायन जिनमें माइनस 2 का चार्ज हो। ठीक है ना, चार्ज की बात हो रही है यहाँ पे, ये चार्ज के अकॉर्डिंग। ट्राइवेलेंट के टाइम जिसमें प्लस 3 का चार्ज हो, और ट्राइवेलेंट एनायन जिसमें माइनस 3 का चार्ज हो, इस तरह से। सो इसको हम करते हैं, ये इस तरह से क्लासिफिकेशन हुई है मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट में, और कैटायनिक और एनायनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी अब हम क्या होता है वैलेंसी, कोई भी एक मान लो ये कोई एक एटम है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब क्या होता है, एक एटम में चार शेल होते हैं, के एल एम एन। तो के शेल में 2 आएंगे, उसके बाद 8 ऐसे, फिर 16, फिर 32, यानी कि 2 8 16 और 32, इस तरह से शेल में जो है इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट शेल में फिल होगा, सबसे पहले फर्स्ट शेल में फिल होगा, यानी कि के शेल में फिल होगा, उसके बाद एल में शेल में फिल होगा, एल में अगर 8 फिल होगा उसके बाद ही हम एम में जाएंगे। अगर 8 नहीं हुए, 7 है और मुझे 8 एम में भरना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं 8 पूरे नहीं कर लूँगी ना एल एल शेल में, तब तक मैं एम में जा सकती। और ये क्या होता है, के एल एम एन, ये वाला एन शेल होता है, लास्ट शेल होता है एन। अभी हम तो चार ही शेल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये चौथा शेल होता है एल। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी को समझने से पहले चलो मैं आपको बताती हूँ वैलेंस शेल क्या होता है। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस शेल, सबसे लास्ट का जो शेल होता है किसी भी का, किसी भी एटम का, उसको कहते हैं हम वैलेंस शेल। ठीक है, तो जैसे कि अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, सिर्फ 1, ये इसका न्यूक्लियस है मान लो, और ये है उसका एक एटम। तो उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हुआ, यही हुआ उसका आउटर मोस्ट शेल, इसके बाद तो उसका कोई शेल ही नहीं है, तो उसका कौन क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका है क्या है, वैलेंस शेल है इसका, आउटर मोस्ट शेल है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं हम, वैलेंस शेल। और जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन द रिएक्शन बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द इनर इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही सिर्फ किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एज कम्पेयर टू द इनर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये थी वैलेंसी। अब पीरियोडिक टेबल 20 एलिमेंट्स के, देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन, फिर आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से हमारा ये होता है, मतलब कैल्शियम तक होता है। मैं आपको 20 बताऊँ तो, ठीक है, अगर मैं आपको 20 बताऊँ तो अभी तक शायद ये 18 होंगे, अगर मैं आपको 20 बताऊँ तो लास्ट में कैल्शियम भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर है इनके 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 तक लिखे मैंने थोड़ी सिर्फ,
20 तक होने चाहिए थे, पर ये 18 तक क्यों है? तो देखो, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये तीनों चीज़ें हमेशा सेम रहती हैं। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा हर एक एलिमेंट का, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले के शेल में भरा जाएगा, उसके बाद एल शेल में भरा जाएगा, उसके बाद एम में, उसके बाद एन में। तो ज़्यादातर में देखो एन वाला शेल खाली है, क्योंकि यहाँ तक हम 18 तक की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी यानी कि ये वैलेंसी क्या है, मतलब एक तरह से ये एलिमेंट या फिर ये एटम, इस एटम, इस एलिमेंट का एटम कितने इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, वो उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है, ठीक है। ये कितने डोनेट करेगा या कितने गेन करेगा, यानी कितने लेगा इलेक्ट्रॉन, कितने देगा, ये उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वैलेंस शेल। मैंने वैलेंस शेल, ये लास्ट शेल होता है, आपको बताया था मैंने अभी, ये एटम का लास्ट शेल होता है। जैसे कि सोडियम, यानी कि एन ही कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281, यानी कि पहले शेल में कितने आएंगे 2, दूसरे शेल में तो 1, 8 आएंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है सोडियम का, तो पहले में आ गए 2, दूसरे में आ गए 8, बचा कितना 1, तो 1 कितने में आएगा, आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए क्या होता है ये Na+1, इसकी ये वैलेंसी होती है। इसके ऊपर प्लस 1 का चार्ज क्यों लगता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। वैलेंसी यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इसकी वैलेंसी क्या होगी, प्लस वन की होगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपने पास लाने के बजाय ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, वो ज़्यादा इसके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल तक ही कम्प्लीटली फिल्ड रहे, है ना। तो ये 1 क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो क्या जाएगा, प्लस का चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये ग्रुप, मॉलिक्यूल क्या होता है, सबसे पहले मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइंड रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट या कंपाउंड का, जो कि उनकी प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है। और द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट विच रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ अ एलिमेंट ऑफ एन कंपाउंड, यानी कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि जब कई सारे सिंबल्स मिलके किसी किसी का एक 3, 4 या 2 मान लो H2O, तो H यानी कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट हो गया, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब मिलके कोई एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब उनका फॉर्मूला लिखा जाता है उन एलिमेंट्स का, तो उसको कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि जब एलिमेंट्स के फॉर्मूला लिखे जाते हैं कई सारे साथ में, एक साथ में, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एग्जाम्पल हो गया H2O हो गया, है ना, NH3 हो गया, NH4 हो गया, इस तरह से NH4 हो गया इसका एग्जाम्पल। यानी कि 2 डिफरेंट या 2 से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स जब एक साथ मिलकर अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये क्या जनरेट हुआ है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, केमिकल नेम ऑफ सब्सटेंस कैन बी नोन, यानी कि केमिकल नेम हम पता चलता है, जैसे कि KCl3 है तो K क्या है, पोटेशियम, Cl क्या है, क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड, Cl क्या है, क्लोरीन, और पोटेशियम से कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, वो आइड हो जाएगा, वो एटम्स का है जो भी चक्कर है, आप इसको सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये इसका हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल नेम फाइंड कर सकते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। इसका हमने डिफाइन कर लिया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी नोन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हुआ है इसमें, हाइड्रोजन यूज़ हुआ है इसमें, ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, हमें फाइंड कर सकते हैं कौन कौन यूज़ हुआ है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम कौन से एलिमेंट यूज़ हुए हैं, देखो यहाँ जैसे हाइड्रोजन के 2 एटम यूज़ हुए हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम यूज़ हुआ है, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नोइंग द एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड, इसके अगर एटॉमिक वेट पता है हमें तो हम इसका एटॉमिक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, तो हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब इधर देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मुझे बनाना है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मुझे वो चाहिए फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए मुझे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की क्या होती है वैलेंसी, 3 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है 2। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा डोनेट करेगा। आप इसको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेंगे कि एल्यूमिनियम शेल में देखेंगे कि किसके एटम्स, जिस भी, इस चीज़ को ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, कि जिसके भी एलिमेंट्स, जो जिसके भी एटम
एक बार फिर से समझते हैं चलो इसको, जैसे कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की अगर हम वैलेंसी देखेंगे तो कैसे चेक करेंगे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 से कम है तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर 4 से ज़्यादा है आउटर मोस्ट शेल में तो वो क्या करेगा, डोनेट। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 6। अब उसको कितना बनाना है, 8। हर एक एलिमेंट को 8 तो चाहिए ही मैक्सिमम, ताकि वो अपनी स्टेबल कंडीशन में रहे, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6, ठीक है। 6 हैं तो इसको कितने चाहिए, अब 2 चाहिए, क्योंकि 4 से ज़्यादा है। अगर 4 से ज़्यादा है तो क्या करेगा, गेन। अब 4 से कम है तो डोनेट, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन। तो क्या होगा, आप देखो इनकी वैलेंसी इंटरचेंज रहेगी। देखो Al के नीचे तो क्या जाएगा, 2, जो कि ऑक्सीजन की वैलेंसी है, और O के नीचे क्या जाएगा, 3, जो कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है। तो इस तरह से जो हमारे मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखो, फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड देखो, Ca और O, कैल्शियम की +2 होती है वैलेंसी और इसकी वो 2 होती है, तो CaO फॉर्म कर देता है, CaO फॉर्म कर देता है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो आप चाहो तो इसके आगे 2 भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Ca2O2 ज़रूरी नहीं है इसको लिखना। अब नेक्स्ट है Mg और Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम की होती है +2, यानी कि +2 चार्ज डोनेट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और कैल्शियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसकी क्या हो जाएगी, Mg और Cl2। अमोनियम सल्फेट देखो, अमोनियम का कौन सा होता है, NH4+ होता है अमोनियम का आयन, और सल्फेट का आयन कौन सा होता है, SO4-2 होता है इसका आयन। तो अब देखो SO4, देखो इसके क्या चार्ज है, 2, तो NH4 के पूरे में क्या जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 2 आ जाएगा, और जो इसका चार्ज था +1, तो SO2 के पास आ गया, तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, समझ में आया। तो इस तरह से हम सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म बनाते हैं, इसको आप बार बार समझेंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो कि हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है, केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कुछ आयन एटम के बीच में, जो कि एक मॉलिक्यूल बनाने में ये इसको मदद करता है, यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम्स के बीच में, एटम या आयन के बीच में, जिसकी वजह से कोई एक मॉलिक्यूल बंधा रहता है। तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड कई तरह के हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, मेटलिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो मेटलिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो मेटल्स के बीच में होता है, ठीक है। तो मेटलिक बॉन्ड को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मेटलिक बॉन्ड वो बॉन्ड है, वो अट्रैक्शन फोर्स है जो कुछ जो मेटल के एटम्स के बीच में होता है, ठीक है। हम कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जब आयन का या तो जब किसी एटम में से या तो आयन गेन हुआ है या लूज हुआ है, तो उसे कहते हैं हम आयन। तो क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो देखो, व्हेन एटम ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू अनदर, देन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, न्यूली फॉर्म चार्ज क्रिएट्स अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। देखो अब इधर क्या हुआ, इधर Na हमेशा Cl को डोनेट करता है, यानी सोडियम हमेशा क्लोरीन को डोनेट करता है, क्योंकि इसमें +1 का चार्ज होता है और इस पर -1 का चार्ज होता है, ठीक है। इस पर -1 का चार्ज होता है, इसको 8 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो इसको 8 बनाना है, तो यहाँ पे भी इसको एक चाहिए, तो ये क्या लेगा, Na से ट्रांसफ़र करा लेगा अपने पास में, Na से ले लेगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनकी, इस तरह से क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl। तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, NaCl, यानी कि Na ने इसको डोनेट कर दिया Cl को, तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, आयनिक बॉन्ड, यानी कि इसमें आयन्स जो है उन्होंने बॉन्ड बनाए हैं आपस में, तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हम आयनिक बॉन्ड में जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इनका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स होते हैं, इनकी बहुत ही बढ़िया शेप होती है, क्रिस्टलाइन, बिल्कुल क्रिस्टल जैसी, मोल्टन फॉर्म, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब इन आयन्स को हम मेल्ट कर देते हैं, यानी कि अगर ये लिक्विड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, और वैसे सॉलिड फॉर्म में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इनकी होती है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के बीच में फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, इसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड में डोनेट या फिर गेन होता है, कोवेलेंट में शेयरिंग होती है। कोवेलेंट का मतलब ये है शेयरिंग बॉन्ड, एक तरह से आप ये कह सकते हो। कोवेलेंट का मतलब क्या है,
शेयरिंग हॉल, ठीक है, एक तरह से आप इसको याद करने के लिए ये बोल सकते हैं। तो ये दो एटम के बीच में फॉर्म होता है ताकि उन एटम स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोवेलेंट, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म होते हैं ताकि एटम्स की शेयरिंग हो और इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल हो जाए और एटम भी स्टेबल हो जाए, उनका आउटर शेल स्टेबल हो जाए, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज द केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। आयनिक बॉन्ड में डोनेटिंग या फिर गेनिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना किसी में भी, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में तीन तरह हमने चार बॉन्ड्स पढ़े थे, आयनिक पढ़ लिया हमने, आयनिक में क्या होती है, लूजिंग या शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा अभी, इसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटैलिक बॉन्ड मैंने आपको बताया था, मेटल जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है एक तरह से, उसमें कोई भी प्रोसेस हो सकता है हमारा, या तो कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, आयनिक बॉन्ड बन सकता है, या फिर हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है उसमें, ठीक है। मेटैलिक बॉन्ड में दोनों तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो मेटैलिक बॉन्ड मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ रहे थे, तो दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नोन एज शेयर्ड पेयर्स और बॉन्डिंग पेयर्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं दो एटम्स के द्वारा, तो उनको क्या कहते हैं हम, शेयर्ड पेयर्स और बॉन्डिंग पेयर्स। एंड द स्टेबल बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। और इस फोर्स को, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, देखो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज हैं जो, ये जो कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं इसको, ठीक है। आप देखो नीचे एग्जाम्पल, मीथेन, अमोनिया, वाटर, और इधर और भी एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे शेयरिंग होती है। देखो कार्बन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH3 फॉर्मूला होता है इसका, CH3, यानी कि कार्बन तो एक और CH4 होता है, सॉरी कार्बन तो एक और हाइड्रोजन 4, CH3 नहीं होता। तो देखो इधर जहाँ पे आपको क्रॉस वाला दिख रहा है, ये क्रॉस वाला आइटम क्या है, ये शेयर्ड है, ये क्रॉस वाला आइटम ये जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, सबसे पहले शेल में तो 2 होंगे, और हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 है, 1 एटम है हाइड्रोजन के पास, इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास में, तो उसको एक और चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वो क्या करेगा, कार्बन के साथ साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है, तो इसके साथ शेयर करेगा तो ये क्या कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, मीथेन। इसके बाद अमोनिया ने भी एक एक इसने एच के साथ शेयर किया अपने तीन, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो, वाटर में भी शेयरिंग होती है, एच और एच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इधर देखो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस वाला क्या है, जो ये क्रॉस वाला दिखते हैं ना, ये सर्कल वाला तो क्या है, ये जो गोल सर्कल है, ये तो होते हैं जो उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस एलिमेंट या उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, और जो क्रॉस वाले हैं वो क्या है, वो शेयर हुए हैं, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर है। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स। मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इनमें, और सारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और डिजॉल्व भी हो जाता है, ये ब्रिटल होते हैं बहुत, यानी आसानी से टूट सकते हैं, और इनकी सॉलिड विद ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ आयन्स, यानी कि जो आयन्स होते हैं उनका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है वो सॉलिड होते हैं, पर ये बहुत ही ब्रिटल होते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, थर्ड टाइप का बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, एक तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही पार्ट है, कोवेलेंट बॉन्ड की मदद लेके ये बॉन्ड बना है। द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर आर गिवन बाय वन एटम ओनली। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, जिसमें इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम के द्वारा दिए जाएंगे, बट शेयरिंग इज बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा, उसको दूसरे वाला नहीं रखेगा। जैसे इधर एग्जांपल देखो, ये वाला अमोनियम आयन है, ये इसमें क्या हुआ, NH3 था, हमने उसको NH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NH4 बनेगा। तो क्या है, इसके पास में शेयरिंग करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये शेयर नहीं कर सकता, हाइड्रोजन शेयर नहीं कर सकता, इसके पास एक ही है,
तो क्या करेगा, एन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा जिससे कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होके रहे, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे एक एरो बना हुआ है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं। अब यहाँ एन के आगे एरो लगा हुआ है, मतलब कि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था उसको डोनेट करने के लिए या फिर उसके साथ शेयर करने के लिए, तो उसने यहाँ फॉर्म किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें कि एन के पास भी रहेगा और एच के पास भी रहेगा। पर इसमें फ़र्क क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क क्या है कि सिर्फ एक ही जो एलिमेंट होगा या एक ही एटम होगा, जैसे कि इसमें एन, वो ही अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिर्फ एक करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में यही फर्क है, ठीक है। तो यह था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के कंपेरिजन में इनका बहुत ही लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत कम होते हैं इनके। ये आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं, आइसोमरिज्म होता है इनमें, यानी कि पोजिशन चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे रिजम बताऊंगी बाद में। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अकर होती है, हैंस इट इज़ अ डायरेक्शनल बॉन्ड। इट इज़ वीकर देन आयनिक बॉन्ड। ये बहुत ही वीक होता है, वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट या फिर एक, ये कह सकते हैं एक ही एटम अपनी तरफ खींच कर रख रहा है, दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर रहा कोई फोर्स, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट कर रहा है तो ये बहुत ही वीक होता है ये वाला बॉन्ड। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल बॉन्ड हमने पढ़ लिए हैं तीनों, आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला की मदद से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन को, हम जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे ही केमिकल इक्वेशन में भी हम जो सेंटेंसेस होते हैं या फिर जो रिएक्शन होती है उसको हम सिंबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंबल कैसे कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि मान लो कोई कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, तो दो इनमें सिंबल क्या आएगा, प्लस का सिंबल आ गया एक और एक एरो का सिंबल आ गया, ठीक है। सिंबल एंड फॉर्मूला, फॉर्मूला सिंबल हमने अप्लाई कर दिया, सिंबल क्या क्या अप्लाई करा, तो प्लस का साइन और एक एरो। अब क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस। फॉर्मूला क्या है सब्सटेंसेस का, कार्बन का क्या फॉर्मूला है, सी, ऑक्सीजन का क्या है, O2 है ऑक्सीजन का फॉर्मूला, तो ये क्या फॉर्म कर जाएगा, CO2। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन एक ऐसी मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम केमिकल रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट समझेंगे, जो रिएक्शन में हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं वो रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जो रिएक्शन जिनकी वजह से होती है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद में होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इधर रिएक्टेंट क्या है, H2 और O2 रिएक्टेंट्स हैं, इधर रिएक्ट किया और फॉर्म किया H2O, प्रोडक्ट के फॉर्म कर दिया। अब ये देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्ट किया ऑक्सीजन और ग्लूकोज बन गया, क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि LHS में जो होते हैं वो अपने होते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट होते हैं राइट हैंड साइड में जो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले देखो, व्हाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर रिटन, देन अ सिंगल हेडेड एरो एट द लास्ट प्रोडक्ट आर रिटन। सबसे पहले हम सारे के सारे जो हमारे वो जितने भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो हम सारे लिखते हैं, उसके बाद उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड और फर्स्ट मैं आपको एक साथ बता देती हूँ एक बार फिर से। जब हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट के रिएक्टेंट्स लिखते हैं, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद रिएक्टेंट लिखने के बाद एक हम राइट हैंड साइड मतलब की फेस करता हुआ एक हम एरो लगाएंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में ये है कि ये केमिकल इक्वेशन कौन सा लॉ फॉलो करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ फॉलो करती है। कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ क्या होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जैसे हाइड्रोजन का मास कोई एक मान लो कोई भी एलिमेंट है उसका जो मास है, जैसे कि मान लो 2 यूनिट है उसका मास, रिएक्शन के टाइम पर उसका मास 2 यूनिट है, उसका वेट, मास को एक तरह से आप वेट कह लो समझने के लिए, लेफ्ट जब वो रिएक्टेंट था तब उसका वेट कितना है 2, तो प्रोडक्ट जब वो बनेगा उसका मतलब रिएक्शन के बाद भी उसका उतना ही वेट रहेगा, तो मास जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता ना ही बनाया जा सकता है, ठीक है, जितना है वो उतना ही रहेगा।
नेक्स्ट है और कि हम केमिकल इक्वेशन को हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं. हीट एंड ट्रायल मेथड की तरह से हम उसको बैलेंस करते हैं कि इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे दो हाइड्रोजन है तो इधर की साइड पे भी दो होने चाहिए. तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं कि हम क्या करेंगे, ओ के आगे हम टू लगा देंगे. अगर यहाँ पे मान लो टू लगा देंगे, अगर मान लो इधर की साइड पे फोर है तो इधर की साइड पे भी कितने हुए ऑक्सीजन, फोर हो गए. टू टू जब फोर, इधर फोर है तो इधर भी फोर हो गए. हमने कैसे किया, यहाँ पे टू हमने लगा दिया यहाँ पे. ठीक है, इस तरह से हम हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब भी कोई हमें किसी केमिकल इक्वेशन की फिजिकल स्टेट बतानी होती है कि उस कौन सी स्टेट है, तो हम क्या लिखते हैं उसके आगे ब्रैकेट में, अगर वो सॉलिड है तो एस, लिक्विड है तो ब्रैकेट में एल लिख देंगे, अगर गैसीय स्टेट में है तो उसके ब्रैकेट में हम जी लिख देंगे. ठीक है, और अगर कोई सब्सटेंस एक्वस स्टेट में है तो उसके आगे ब्रैकेट में ए क्यू लिख देंगे. एक्वस स्टेट क्या होती है, जब किसी सॉलिड में अगर हम कोई लिक्विड मिला के उसको लिक्विड बना देते हैं, जैसे कि मैंने वाटर और सॉल्ट को ऐड किया, नमक को, है ना, तो मैं वो लिक्विड बन गया, तो ये क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया. ठीक है, तो उसके आगे हम लिखेंगे ए क्यू. सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन दिस सिंबल इज यूज, ये वाला सिंबल यूज होता है, ऐसा इसकी जगह ये वाला सिंबल यूज होता है. ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि ये वापस से कन्वर्ट हो सकता है, वापस से कन्वर्ट हो सकता है, इंटर कन्वर्सिबल होती है, तो ये वाला हम यूज करते हैं सिंबल. नेक्स्ट है रिएक्शन कंडीशन फॉर रिएक्शन टू अकर सच एज़ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा, रिटर्न ऑफ द एरो. जैसे कि अगर हमने हीट कराया उसको तो हम एरो के ऊपर लिखेंगे कि हीट, अगर हमने कोई प्रेशर अप्लाई किया तो उसके ऊपर लिखेंगे प्रेशर, कोई कैटलिस्ट जैसे कि सनलाइट अप्लाई किया तो उसके एरो के ऊपर लिख देंगे सनलाइट. ठीक है, और दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक. ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं. नेक्स्ट पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो क्या क्या लिमिटेशन होती है, क्या क्या कमियाँ होती हैं केमिकल रिएक्शन की, कि हमें कोई भी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन कम्प्लीट हुई है या नहीं, और बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता नहीं चलता कि वो कॉन्सेंट्रेशन कैसी है उनकी. ठीक है, वो डायल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, हमें ये क्लियरली पता नहीं चलता है. ये है लिमिटेशंस. अब पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या फ़ायदे हैं केमिकल इक्वेशन के. सबसे पहले देखो, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर नोन. जैसे ही हम सिंबल्स वगैरह लिखते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि इस रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी नोन फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसके द्वारा हमें ये पता चल सकता है कि इस रिएक्शन में कौन से एलिमेंट के कितने मॉलिक्यूल, जैसे H2O है फॉर एग्जाम्पल, H2O है तो H2O में हमें पता चल जाता है कि H2O में कितने हैं हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है वन. तो हमें केमिकल इक्वेशन की मदद से हमें ये पता चलता है कि कितने रिएक्टेंट की साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितने एटम्स हैं, सारे ये सब हमें पता चल जाता है. इक्वेशन शो अ इक्विवेलेंट क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट क्वांटिटीज यानी कि एकदम बिल्कुल जो है एज इट इज़ वैसी ही क्वांटिटीज बताती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की. इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसीय स्टेट देन देयर वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन. अगर वो गैसीय स्टेट में है तो हम उनकी वॉल्यूम ही निकाल सकते हैं कि उन्होंने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.